बिहार की नीतीश सरकार ने बजट सत्र के पहले दिन अपना विश्वास मत हासिल कर लिया। अब राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार यानी आज 13 फरवरी 2024 को राज्य का पहला बजट पेश करेंगे। यह बजट 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए होगा। वित्त विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा कीमत पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय 49,637 रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि के संयोजना के बाद राज्य की प्रति व्यक्ति आस्तर आधार वर्ष 2011-22 की कीमतें 9% से बढ़कर 35,119 रुपए प्रति वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है। रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। तो वहीं अगर शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में कई प्रावधान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए बजट में धन आवंटित किया जाएगा। और कृषि की बात करें तो किसानों की आय में बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। अवसंरचना, राज्य में अवसंरचना के विकास के लिए बजट में धन आवंटित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। और पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बजट में धन आवंटित भी किया जाएगा। और सामाजिक कल्याण में गरीबों और वंचितों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। यह बजट 2,18,000 करोड़ रुपए के होने के अनुमान है। बजट में राजस्व घाटे को कम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई नई योजनाएं की घोषणा की जा सकती है। तो आज की बजट सत्र से लोगों को कई ज्यादा उम्मीद है कि चल रहे बजट सत्र में क्या कुछ नई सरकार में बिहार के लोगों को मिलने वाला है। बता दें कि बिहार में नई सरकार बनी है, कल ही विश्वास मत हासिल होकर एनडीए ने अपनी सरकार बनाई और बिहार ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे में नई सरकार में लोगों को उम्मीद कई ज्यादा है कि शिक्षा, रोजगार, कृषि, कल्याण, गरीब के लिए कुछ कुछ नया किया जाएगा, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अच्छा किया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज के बजट सत्र में क्या कुछ ऐलान किया जाता है, क्या कुछ योजनाएं लोगों को मिलती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।